प्रभु जी, हर हर महादेव, जय भोले बाबा जी की। जी प्रभु जी, मैं संतोष कुमार देहुरी उड़ीसा से बोल रहा था। हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी। ये हमने पिछले साल यात्रा पर जाने के लिए प्लान किए थे दोस्तों का साथ। हाँ जी। परंतु कुछ ऐसे आकस्मिक घटना की वजह से नहीं जा पाए। जी। 2023 में हमारा प्लान है। जी। तो मैं ये पूछने के लिए आपसे संपर्क किया था। आप ग्रुप चलता है ना थ्रू व्हाट्सएप में? हाँ जी जी। तो ग्रुप में हमको थोड़ा कृपया करके ऐड कर देते हैं तो अच्छा रहता है। ठीक है, मैं आपको ग्रुप का लिंक, आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दो इसी नंबर पे। जी जी हाँ, यही नंबर है, यही नंबर है। नहीं, मैं कह रहा हूँ जिस नंबर पे आपने कॉल किया ना मुझे, 9891999236 पे कॉल किया ना आपने अभी। हाँ हाँ जी सर, जी सर। हाँ, तो इसी नंबर पे मुझे एक व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो कि हमें बाबा अमरनाथ जी के 2023 वाले ग्रुप में ऐड कर दो। ठीक है, एक तो ये हो गया, मैं आपको ग्रुप का लिंक भेजूंगा, आप सीधे ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि जो वीडियो हम यूट्यूब पे डाल रहे हैं ना, जितनी भी वीडियो जहाँ से आपने मेरा नंबर लिया होगा, वहाँ पे जो लेटेस्ट वीडियो डाल रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में भी ग्रुप का लिंक दे रखा है, तो आप वहां से भी खुद ऐड हो सकते हैं। जो भी आपको लगे आसान आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको कर दूंगा। ठीक है जी, मैं व्हाट्सएप में आपको लिख देता हूँ। ठीक है प्रभु जी, मैं ऐड कर दूंगा आपको, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, तो आप अपनी यात्रा की तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, मैं सर और एक बात पूछना चाहता था। हाँ जी। जैसे हम मान के चलो 1 तारीख को यात्रा शुरू होती है, ठीक है, तो मतलब 1 तारीख से पहला दिन हमको जम्मू में रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, है ना? अगर 1 तारीख को यात्रा शुरू होती है तो आपको यात्रा से एक दिन पहले पहुंचना पड़ेगा ना पहलगाम। तो दो दिन पहले पहलगाम नहीं, जम्मू से यात्रा शुरू होती है ना गंगा की? नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए, आपने थोड़ा वीडियो नहीं देखी है, वीडियो देखिएगा, मैं आपको ना थोड़ा ब्रीफिंग में बता देता हूँ। यात्रा शुरू तो आपके घर से हो जाती है, जब आप निकलते हैं जब भी शुरू हो जाती है। तो जैसे आप उड़ीसा से आ रहे हैं तो पहले आप जम्मू आएंगे या उधमपुर आएंगे, ठीक है, या जम्मू पहुंचेंगे या उधमपुर पहुंचेंगे ट्रेन से, ट्रेन से आएंगे आप, तो जम्मू से बाई बस या उधमपुर से बाई बस या बाई टैक्सी जाएंगे आप। और उसके बाद दो रूट हैं यात्रा के, या तो आप पहलगाम जाएंगे या फिर बालटाल जाएंगे। जी जी, ठीक है। तो जो यात्रा का जो परमिट मिलता है, जो यात्रा शुरू करने की डेट होती है, वो पहलगाम या बालटाल से होती है। ठीक है, मतलब ये जो यात्री का जो परमिट है वो जम्मू से पहलगाम या फिर जम्मू से बालटाल तक परमिट की जरूरत नहीं होती? नहीं जी, आप जम्मू से पहलगाम भी जा सकते हैं, बालटाल भी जा सकते हैं, लेकिन जब बालटाल से आगे जब यात्रा शुरू करेंगे या पहलगाम से आगे जब यात्रा शुरू करेंगे उस टाइम आपको परमिट चाहिए होगा। सपोज कीजिए आपका परमिट 3 तारीख का है, तो आपको 2 तारीख की रात में या तो पहलगाम या बालटाल पहुंचना पड़ेगा, जब 3 तारीख की सुबह आपको छोड़ा जाएगा। अच्छा अच्छा, तो 2 तारीख को आप सुबह जम्मू से पहुंच चलेंगे, जब जाके आप 2 तारीख की रात को पहलगाम पहुंच पाएंगे। ऐसे 1 तारीख की रात में आपको जम्मू पहुंचना पड़ेगा, तो प्लानिंग आपको इस हिसाब से करनी पड़ेगी कि आपकी ट्रेन जो भी हो वो 1 तारीख की शाम को जम्मू पहुंच जाए, ताकि 2 तारीख की सुबह आप जम्मू से चलें और 2 तारीख की रात को पहलगाम पहुंच जाएं, और 2 तारीख की रात को पहलगाम पहुंच के 3 तारीख को अपनी यात्रा शुरू कर पाएं। जी 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 जी, मैं समझ गया। ठीक है, मतलब मेरे मन में यह आशंका थी कि जम्मू से जो जाती है, भगवती नगर से जो गाड़ी चलती है पहलगाम के लिए या फिर बालटाल के लिए, उसमें भी परमिट लगता है, ऐसे मेरा मानना था। नहीं नहीं, परमिट तो आपके पास होना ही चाहिए जब भी आप यात्रा पे जाएंगे, या तो आप अपने घर से परमिट बना के लाएंगे या जम्मू में बनाएंगे, ये तो कंफर्म है आपका पहलगाम जाके। हाँ जी, मतलब जम्मू से ही परमिट बनना पड़ेगा, है ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं 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 नहीं, आप अपने उड़ीसा से ही 2-3 महीने पहले ही परमिट बन जाते हैं। दो महीने पहले से हम उड़ीसा से परमिट बनाएंगे। बिल्कुल, तो वो परमिट जो बना के लाएंगे उसके हिसाब से ही आपको आना है। अच्छा, जो जत्था बनेगा, जो जत्था निकलेगा, हम जम्मू से निकलेंगे ना, जम्मू से होते हुए मान चलो हम तय कर लिए कि पहलगाम रास्ते में जाना है, ठीक है, तो जम्मू से पहला जत्था सब सुबह जम्मू से 4:30-5 बजे निकलता होगा। तो उस दिन मतलब उसे एक दिन पहले ही हमको जम्मू रिपोर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल, जो बस सर्विस है वो पहले से बुकिंग होती है या फिर जम्मू से कॉन्वॉय चलती है वो पहले बुक नहीं होती है? जब आप जम्मू पहुंच जाएंगे 1 तारीख की शाम को, जब भी आपको टिकट मिल जाएगा 2 तारीख की गाड़ी का, तो 2 तारीख को सुबह चलेंगे तो 2 तारीख की रात को पहलगाम पहुंच जाएंगे आप। जी सर, जी सर, मतलब मान के चलो हमारा सुबह सुबह पहुंच गए जम्मू, तो 2-3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा वहाँ जम्मू से घूम घाम करके हम शाम तक फिर अपने उस बीच में टिकट लेकर के दूसरा दिन सुबह निकल जाएंगे पहलगाम के लिए। बिल्कुल प्रभु जी। जी सर,
अच्छा, और एक बात पूछना था सर कि जैसे हम गर्मी कपड़ा लेते हैं, सर्दी का कपड़ा भी लेते हैं और ठंड का कपड़ा भी लेते हैं, बारिश का ही बरसात ही पकड़ना पड़ता है, तो ठंड के लिए कपड़ा पकड़ना इतना जरूरी है? बहुत जरूरी है, इतना जरूरी है ठंड के लिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि ठंड का ही सारा खेल है। जब आप पहलगाम से यात्रा स्टार्ट करेंगे तो पहलगाम में भी ठंड ठीक ठाक होती है, जैकेट वगैरह पहननी पड़ती है, और शेषनाग झील के पास जब आप स्टे करेंगे वहां तो काफी ज्यादा ठंड होती है, और तीसरा बाबा जी गुफा पे, पंचतरणी में ठीक है नॉर्मल होता है लेकिन बाबा जी गुफा पे भी, और दूसरा ये निर्भर करता है बर्फ के ऊपर, और तीसरा करता है बारिश के ऊपर। बारिश तो कभी भी होगी तो एकदम शीतलहर चलती है, तो ठंड का कपड़ा तो पक्का ही लेके जाना है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है आपको। जी जी, मतलब शेषनाग में जो पहली रात स्टे करना है तो उसमें ठंडी का ज्यादा महसूस होगा। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ पहलगाम से बारिश, देखिए आप पहलगाम पहुंचेंगे ना, और पहलगाम में अगर बारिश हो गई तो भी आपको ठंड लग जाएगी, तो ठंड का कपड़ा तो आपको लेके, एक जैकेट में आपका आराम से काम हो जाएगा, और अंदर एक इनर वगैरह भी ले सकते हैं आप, या शॉल वॉल, कोई टोपी ग्लव्स तो पक्का लेके चलना है आपको। हाँ हाँ, जो जो बैग में रख सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, जी जी जी। और मैं ये पूछ रहा था सर, जैसे हम मान के चलो आली पहुंचते हैं, पंचतरणी क्रॉस कर जाते हैं, शेषनाग से दूसरा दिन निकल करके पंचतरणी में स्टे लेना और पंचतरणी में स्टे नहीं लेना, मान चलो हमारा मूवमेंट क्विक हो जाता है, हम पंचतरणी बगैर रुके अमरनाथ यात्रा भी जा सकते हैं, आगे जा सकते हैं? मैं इसके लिए आपको मान लो, मानने के लिए तो बहुत कुछ है ये मान लो वो मान लो, लेकिन मेरी बात सुनिए आप, हमने ना इसके ऊपर काफी सारी वीडियो बनाई हुई है, फिर भी मैं आपको ब्रीफिंग में बता देता हूँ कि पंचतरणी में रुकना कुछ जरूरी नहीं है, आप चाहें तो सीधा बाबा जी गुफा पे भी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन जो ये गेट होते हैं ना, इनके एक गेट होते हैं चेक पोस्ट जिसे बोलते हैं, उसको क्रॉस करने का टाइम होता है, तो जो पंचतरणी का टाइम है वो पैदल यात्रियों के लिए 2 बजे का है, अगर आप 2 बजे पहले वो चेक पोस्ट क्रॉस कर दोगे तो आपको जाने दिया जाएगा, अगर आप घोड़े पे हो तो 3 बजे तक, अगर आप चेक पोस्ट पार नहीं कर पाए तो आपको नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि वहां पे ऐसा होता है कि अगर आप पंचतरणी में रुके हो, निकाल दिया गया आपको, अगर आपको लेट छोड़ेंगे तो आप आगे टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे, तो अंधेरा हो जाएगा, दिक्कत आएगी। तो ऐसे शेषनाग जी में 1 बजे का टाइम है, ऊपर चंदनवाड़ी में 11 बजे का टाइम है, नीचे 6 बजे का टाइम है पहलगाम में, ऐसे जब आप परमिट बनवाएंगे तो परमिट के पीछे सारा टाइम लिखा होता है, उसी टाइम में आपको वो चेक पोस्ट पार करने हैं, जब भी आप यात्रा शुरू कर पाएंगे। इसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाई हुई है, आप हमारे श्री अमरनाथ जी यात्रा यूट्यूब चैनल पे जाएंगे ना, सिर्फ तसल्ली से संडे को बैठ के आप 10-5 में वीडियो देखेंगे, आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जी सर, ये मैं ये पूछ रहा था, मान के चलो आपका पेट है मान लिया चलो, जो 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 परमिट है तो डिफरेंट डिफरेंट डे का इशू होता है। हाँ जी हाँ जी, और हम मान के चलो आली पहुंचते हैं, उसके बाद क्रॉस कर गए चेक गेट को सही समय से पहले क्रॉस कर गए, तो मतलब अगला दिन का जो परमिट था वो वैलिड होगा कि नहीं होगा, ना फिर प्लान उसके हिसाब से बनाना पड़ेगा? नहीं प्रभु जी, एक ही बार परमिट मिलता है, जिस दिन यात्रा शुरू करेंगे ना। जी जी, 3 तारीख को आपको पहलगाम से छोड़ा जाएगा, उसके बाद चाहे अगले गेट आप 4 तारीख को पार करो, चाहे 5 तारीख को पार करो, चाहे सारे गेट एक ही दिन में पार कर जाओ। अच्छा। उसके लिए अलग अलग परमिट नहीं होते हैं, दर्शन का भी कोई परमिट नहीं होता है, परमिट सिर्फ आपका यात्रा शुरू करने का होता है। अच्छा, सिर्फ एक ही परमिट होता है? हाँ जी हाँ जी, लेकिन जो गेट है वो तय करना पड़ता है अपनी समय सीमा के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल जी सर, जी सर, ठीक है। तो मान के चले आप इस बार यात्रा की तैयारी करेंगे? जी हम तो चाह रहे हैं कि शुरुआती डेट में 2-3 दिन के अंदर का जो जी, आप सब कुछ मान के चलो और एक बार वीडियो देखो, फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन करना, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, परेशानी मत होना, ठीक है? ठीक है, आपकी सहायता जरूर पड़ेगा और हम जरूर सहायता लेंगे। नहीं नहीं, भोले बाबा जी का आशीर्वाद है, हम तो क्या है करने वाले, बाबा जी समय दे रहे हैं और हमें इस लायक बना रहा है, इसलिए सब हो रहा है, बाकी बाबा जी अपनी कृपा भक्तों पर बनाए रखें, बस हम इसी तरह सेवा में लगे रहें, ठीक है प्रभु जी? जी प्रभु जी, जय भोले बाबा जी।